हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। क्रिकेट के भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जब अपने करियर के आखिरी पड़ाव में थे तो उन्होंने कहा था कि उनकी तमन्ना है, उनका सपना है कि एक बार वो वर्ल्ड कप जीते। इससे पहले सचिन तेंदुलकर 5 वर्ल्ड कप खेल चुके थे और जैसा कि आपको पता ही कि 2011 में सचिन तेंदुलकर और पूरे देश का ये सपना पूरा हुआ, भारत ने वर्ल्ड कप को जीता। 2013 में सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी और रोहित शर्मा जो कि टीम इंडिया के सदस्य बन चुके थे उस समय तक, उनका भी कुछ सपना था, उन्होंने भी कुछ कहा था। क्या कहा था रोहित शर्मा ने, वो हम आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज हमारा जो चैनल है एनएन स्पोर्ट्स, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए बताते हैं रोहित शर्मा के बारे में। भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि विश्व कप उनके लिए शिखर है, वो उसे जीतना चाहते हैं। सलामी बल्लेबाज रोहित इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए कप्तानी करते हैं और वो मुंबई को 4 बार आईपीएल चैंपियन बना चुके हैं। रोहित शर्मा 2015 और 2019 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं और दोनों बार टीम को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। साल 2015 में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था और साल 2019 में भारत को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के ट्विटर पर एक संदेश में कहा, हर बार आप मैदान में जाते हैं और हर बार जीतना चाहते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप हर किसी का एक शिखर है, मैं विश्व कप जीतना चाहता हूं। आपको बता दें कि इस साल और उसके बाद 2021 में भी T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, इसके बाद 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला जाना है। तो रोहित शर्मा ये चाहते हैं कि इनमें से कम 2 वर्ल्ड कप जो है वो भारतीय टीम को जीतना चाहिए, भारतीय टीम जीते ऐसी रोहित शर्मा की कामना है। रोहित शर्मा ने हरभजन सिंह के साथ बातचीत में और क्या कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। रोहित शर्मा ने हाल ही में हरभजन सिंह के साथ इंस्टाग्राम पर कहा था कि उनका लक्ष्य भारतीय टीम को अगले 3 विश्व कप में से 2 विश्व कप जिताने में मदद करना है। भारत को इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भाग लेना है और फिर अगले साल उसे एक और T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है। इसके बाद उसे 2023 में 50 ओवरों के वर्ल्ड कप की मेजबानी करनी है। रोहित शर्मा ने कहा था, हमें पता है कि आगे अभी 3 वर्ल्ड कप हैं, इन 3 वर्ल्ड कप में से कम 2 वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, ये मेरा लक्ष्य है। चलिए आपको एक मजेदार बात बताते हैं, 2011 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था उससे पहले रोहित शर्मा वनडे में डेब्यू कर चुके थे लेकिन उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, इसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। अगर रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस अच्छा रहता तो शायद हो सकता था कि रोहित शर्मा भी 2011 की विश्व कप की टीम में होते। खैर, रोहित शर्मा ने यह मौका गंवा दिया था। हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना पहला वनडे मैच जून 2007 में ही खेल लिया था लेकिन जब टीम इंडिया ने साल 2011 का विश्व कप जीता था तब रोहित शर्मा उस टीम के मेंबर नहीं थे। भारत ने पहला वर्ल्ड कप साल 1983 में जीता था और उस वक्त भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव हुआ करते थे। इसके बाद भारत ने साल 2011 में दूसरा विश्व कप जीता। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के सारे सपने पूरे हो चुके थे लेकिन एक ही सपना पूरा नहीं हो पाया था और वो था वर्ल्ड कप जीतना। अब ऐसा ही कुछ सपने का जिक्र रोहित शर्मा ने भी किया है, अगर कोई खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए खेलने लगा हो और जब विश्व कप की बात आए तो उसे टीम से बाहर कर दिया जाए तो उस खिलाड़ी पर क्या बीतेगी, ये आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा का मैच खेलना और फिर उनका टीम से बाहर हो जाना, इसकी टाइमिंग हम आपको बताते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि आखिर रोहित शर्मा ने ऐसा क्या कर दिया था या उनकी परफॉर्मेंस क्या थी कि उन्हें टीम से बाहर करना पड़ा। साल 2011 में रोहित शर्मा ने 23 जनवरी को आखिरी मैच खेला था, इसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हो गया और रोहित शर्मा टीम से बाहर हो गए। इस विश्व कप का फाइनल 2 अप्रैल को खेला गया था, भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया तो उसके बाद 6 जून 2011 में उन्हें फिर से टीम में शामिल कर लिया गया। यानी जिस बीच विश्व कप खेला गया था ठीक उसी दौरान रोहित शर्मा टीम के साथ नहीं थे। हालांकि सच ये भी है कि रोहित शर्मा उस वक्त खास रन नहीं बना रहे थे। 23 जनवरी से पहले खेले गए 12 मैचों में रोहित शर्मा कोई अर्धशतक तक नहीं लगा पाए थे, यही कारण है कि वर्ल्ड कप में उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। इस तरह से देखें तो रोहित शर्मा के लिए यह दौर निराशाजनक रहा। भारत ने विश्व कप जीत लिया और रोहित शर्मा उस टीम के साथ नहीं थे। रोहित शर्मा इसके लिए पहले भी निराशा जता चुके हैं, उसके बाद से रोहित 2 विश्व कप और खेल चुके हैं लेकिन हर बार भारत को निराशा ही हाथ लगी है। जब भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था तो रोहित शर्मा उस टीम के मेंबर थे। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने उस वर्ल्ड कप को जीता था और रोहित शर्मा ने भी अहम भूमिका निभाई थी। साल 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, फाइनल में भारत और पाकिस्तान ने जगह बनाई थी। जब फाइनल हुआ तो उस वक्त रोहित शर्मा नए नए खिलाड़ी हुआ करते थे, तब वो मध्य क्रम में खेला करते थे। फाइनल मैच में निचले क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन की आतिशी पारी खेली थी, इसमें एक छक्का और 2 चौके शामिल रहे। भारत ने इस मैच के फाइनल में पाकिस्तान को 5 रन से हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया था। हालांकि इसके बाद से अब तक फिर कभी भारत ने इस विश्व कप को नहीं जीता है। तो ये तो थी रोहित शर्मा की कहानी, जो कम से कम 2 वर्ल्ड कप और जीतना चाहते हैं। आपका क्या
सुझाव है इसके बारे में और आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें।